रुक करते हैं बड़ी खबर का और आपको बता दें कि कोरोना का जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के संचालन पर बुरा असर। कम यात्री भार के चलते दोपहर 1 बजे तक की 13 फ्लाइट रद्द हुई है। सुबह 5:15 पर बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हो गई है। सुबह 6:20 पर मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी रद्द हुई है। सुबह 6:30 पर स्पाइसजेट उदयपुर की फ्लाइट रद्द हुई है। सुबह 7:40 पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी रद्द हो चुकी है। तो वहीं सुबह 8:40 पर चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। सुबह 8:45 पर मुंबई जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट भी रद्द हुई है। सुबह 8:50 पर लखनऊ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। सुबह 9:05 पर कोलकाता जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट रद्द हुई है। सुबह 9:55 पर चेन्नई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। सुबह 11:20 पर अहमदाबाद जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट रद्द हुई है। दोपहर 12:25 पर चेन्नई की एयर एशिया की फ्लाइट रद्द हुई है। दोपहर 12:40 पर अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। दोपहर 1:20 पर हैदराबाद जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट रद्द हुई है। आज कुल 13 फ्लाइट रद्द हो चुकी है दोपहर 1 बजे तक की। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, देखिए एक बार फिर से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही होगी क्योंकि 13 फ्लाइट रद्द हुई है। जी ऐसे बिल्कुल, यात्रियों के लिए परेशानी बनी हुई है और जिस तरह से रोजाना बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द हो रही है उनके लिए दिक्कतें बढ़ रही है और एयरलाइंस की भी मजबूरी है क्योंकि जब यात्री भार नहीं मिलता है कोरोना की वजह से लगातार यात्री भार में गिरावट हो रही है। एयरपोर्ट पर सूनापन के हालात हैं, वैसी स्थिति में फ्लाइट्स को संचालित कर पाना मुश्किल होता है। हालांकि कल की तुलना में थोड़ी राहत मिली है। कल जयपुर एयरपोर्ट से कुल 19 फ्लाइट रद्द हुई थी सुबह की पारी में, जबकि आज इनकी संख्या 13 है, यानी कि 6 फ्लाइट अतिरिक्त संचालित हो रही है जो की एक राहत की बात भी है। और कल कुल मिलाकर 36 फ्लाइट रद्द हुई थी जो एक बड़ा आंकड़ा था और संचालित होने वाली फ्लाइट की संख्या 20 से भी कम थी, यानी कि स्थितियां बिगड़ रही हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज थोड़ा सा सुधार दिख रहा है और कुछ फ्लाइट जो है संचालित होने वाली फ्लाइट वो उनकी संख्या बढ़ी है। आज जो चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट है वो रद्द हुई है और उसके लिए यात्रियों को कोई विकल्प भी नहीं मिल पाया क्योंकि एक ही फ्लाइट चंडीगढ़ को संचालित होती है। इसी तरह की स्थिति जो है लखनऊ जाने वाले यात्रियों को साथ भी होगी क्योंकि लखनऊ के लिए भी मात्र एक फ्लाइट संचालित होती है। अहमदाबाद के लिए भी फ्लाइट की संख्या लगातार कम हुई है और गो फर्स्ट की और इंडिगो की दो फ्लाइट यहाँ पर रद्द हुई है। चलिए चेन्नई की अगर हम बात करें तो चेन्नई की एकमात्र जो फ्लाइट है एयर एशिया की वो भी इस दौरान रद्द हो चुकी है। चलिए काशीराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।